सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरे और मेरे परिवार के तरफ से रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सो दोस्तों, आज हमारा देश भारत 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और 76वें में प्रवेश कर रहा है। सो दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, पूरे हिंदुस्तान में खुशी का माहौल है और सब लोग, जितने भी मेरे दर्शक हैं, सभी भारतवासियों को मेरे और मेरे चैनल की तरफ से आप सब लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। और सब लोग मिल करके इस गणतंत्र दिवस को मनाएं, सेलिब्रेट करें और दिखा दें इस दुनिया को कि हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई, हम सब लोग एक हैं। हमारा भारत देश हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है और हमारी पहचान है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं, एक लाइक जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों, आज ही के दिन, आज जो तारीख है 26 जनवरी, इसी दिन को हमारे देश में संविधान को लागू किया गया था। तो दोस्तों, ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, कई माओं ने अपने गोद सूने किए, कई वीर लाल सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कई उलमाओं ने फांसी के फंदे को चूमा, तब जा कर के हमें ये आज़ादी मिली। और इस आज़ादी को हम लोग सब लोग मिल के सेलिब्रेट करें और उन अमर जवान शहीदों को, जिन्होंने अपने देश के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, और उन वीर जवानों को जिन्होंने अपना प्राण दे करके अपने भारत देश को सींचा, अपने भारत देश की इज्जत आबरू बचाने के लिए, आन बान शान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी कुर्बानियों को हमें याद करना चाहिए और अपने अपने भगवान से, अल्लाह से प्रे करना चाहिए, दुआ करना चाहिए कि या अल्लाह तबारक व तआला, जितने भी हमारे जवान भाई इस दुनिया से शहीद हो चुके हैं अपने देश के खातिर, अपने वतन के खातिर, उन सब के फैमिली वालों को सब्र अता फरमाना। और उन सब के लिए हमारा फर्ज बनता है कि आज दिल से हम सल्यूट करते हैं, ताउम्र सल्यूट करते रहेंगे ऐसे भारतीय जवानों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके हमारे भारत देश को सींचा है, हमारे भारत देश को बचाया है। ऐसे जवानों को दिल से सल्यूट करता हूँ। सो दोस्तों, आप सब लोग इस गणतंत्र दिवस की अमृत महोत्सव को मिल करके सेलिब्रेट कीजिएगा और हमारे तिरंगे का सम्मान कीजिएगा। देखते बहुत सारे देखा जाता है कि गणतंत्र दिवस मनाने के बाद हमारे फ्लैग को इधर उधर फेंक दिया जा रहा है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि फ्लैग को अपने सर का ताज बना करके रखें, क्योंकि वो फ्लैग ही हमारे देश की आन बान शान है। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, दुआ है कि एक रहिए, नेक रहिए, एक रहेंगे तो हमारा वतन हमारा देश मजबूत रहेगा। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप कहीं से भी, कहीं भी हो, अपने देश के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए, आप किसी भी कंट्री में रहते हो तो कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा कि जिससे हमारे देश का सर नीचा हो और हमारे भारतवासियों का अपमान हो। दोस्तों, आप सब लोगों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार, मेरे देशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।